न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क, ये MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। खेतों में काम कर लूंगी, पंकज अमुंडे की भाजपा को चेतावनी। पहलवानों के समर्थन में संसद बहन प्रतिम दिग्वंत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से मिली हार के बाद सुर्खियों से दूर रही है। वह 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री थी। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने गुरुवार को कहा था कि अगर वह उन्हें पार्टी से कुछ नहीं मिलता तो वह खेतों में काम कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वह किसी से डरती नहीं है। पंकजा मुंडे ने पहले तो उनकी वह बहन और वह महाराष्ट्र भाजपा सांसद प्रतिम मुंडे के प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन किया। इससे लोकसभा सांसद प्रतिम मुंडे ने कहा कि उनकी यानी पहलवानों की शिकायत पर तुरंत विचार करना चाहिए। प्रतिम राज्य की पहली भाजपा सांसद है जिन्होंने उन खिलाड़ियों का समर्थन किया जो कि यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। छेड़छाड़ के 10 मामलों का जिक्र, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्या क्या आरोप और कौन सी धारा है। नाबालिग ने आरोपी से कहा कि वह पहले उससे बता चुका है कि वह किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने पीछा करना भी छोड़ देना चाहिए। पिछले कई साल से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश भाजपा में मुंडे के किनारे यह कर दिया जाए, लेकिन अगस्त 2022 में एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से मुंडे ने कहा कि वह संभावित इतनी योग्य नहीं है कि वह मंत्री पद संभाल सके। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई में अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस साल जनवरी में कहा था कि कुछ लोग पार्टियों को और मुंडे के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी खुलकर विरोध कर चुकी है बहन मुंडे। इसके बाद बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मुंडे बहनों की टिप्पणी पार्टी पर उनके नेताओं के खिलाफ आई है। राज्य और केंद्रीय भाजपा ने इसका संज्ञान लिया। यह पहली बार नहीं है कि जब मुंडे बहन अपने पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से उतरी है। आगे की कार्रवाई के लिए चेतावनी देते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं पद और पद के लिए किसी भी तरह के सामना झुकने नहीं वाली हूँ। और इससे पहले भी जब मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया था तब पंकजा मुंडे इस बात से ही नाराज थे कि वह प्रतिम बहन के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। चोरी ने ट्रैफिक सिग्नल पर दिखाई दिलदारी, चैन और फैंस ने किया फरमाइश और मुस्कुराते हुए किया यह वीडियो शूट। दिग्गज क्रिकेटर MS धोनी ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर उनका तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह एक फैंस की फरमाइश पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो मुंबई का है। दिग्गज क्रिकेटर MS धोनी का एक वीडियो अब फिर से सोशल मीडिया पर छा रहा है जिसमें वह अपने या आप जो वीडियो देख रहे हैं इस पर वो अपने फैंस की ख्वाहिश को पूरा करते नजर आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला शो ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।